या गांव में जो चाकियां पाई जाती हैं, अगर उसमें माने में जो फंस गया वो पिसता नहीं है, बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो, जने ना मानी वो पिस गो। यहाँ आदमी को अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ व्यक्ति को सोच रहा अब नाती लड़के की शादी हो गई, अब नाती की भी हो जाए, अब उसके भी बेटे की हो जाए, यहाँ अपनी अपनी पड़ी है। एक जेलर ने थोड़ी देर के लिए जेल की दो घंटे के लिए खिड़की खोली और जवाब दिया, जो इस जेल से दो घंटे में कैदी बाहर होंगे खिड़की से, वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। दो घंटे के लिए खिड़की खोली गई, एक कैदी निकला, पीछे वाले ने खींच लिया, बोले हमें जाने दे। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। महाराज दो घंटे हुए, खिड़की बंद हुई। जेलर साहब ने कहा कि कोई निकला या नहीं निकला? सबने चिल्ला करके कहा, महाराज दो घंटे में एक भी कैदी बाहर निकला। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पड़ी। वो कह रहा हम निकल जाए, वो कह रहा हम निकल जाए। यहाँ जीव ये सोचता है कि आज मैं हूँ, कल आने वाला होगा, फिर और आने वाला होगा, मुझे सबको देखना है। सब अपने तो हैं, मुझे सबको देखना है, सबकी शादियां करनी है। तो बड़ी बेचैन है माँ सुनीति, कह रही महाराज मैं ये नहीं कहती कि बेटा घर में पैदा है जाए, नात बिटिया है जाए, क्योंकि बेटी अगर घर में हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौ पुण्य करो तब बेटा घर में आता है और 1000 पुण्य करो तब बेटी घर में आती है। बोल रही है मैया सुनीति, मेरे एक ही बेटा और रोई जा तो मेरे सब मन की हुई जाती। मेरे एक ही बेटा हो जा तो मेरे सब मन